everyone, this is Paddy Drifts, or this is it. I'm finally on YouTube. I hope you guys are excited, and I'm excited as well. So let's get into it. अच्छा तो first मेरी गाड़ी का walk. My car is basically a 1982 Corolla या K70 कह सकते हैं. और इसके अंदर factory से 1300cc 4K engine आया है, जो carburetor setup पे होता है. अच्छा तो first thing engine. एक drift car के लिए power जरूरी चीज है. तो मेरी गाड़ी में जो है आप लोगों को दिखा दूं, काफी लोग पूछते हैं कि सेटअप क्या है. दिस इज बेसिकली ए 3S GTE. ये जो इंजन है ये टोयोटा और यामाहा ने मिलकर बनाया था, जो उनमें से एक मेन एग्जांपल है टोयोटा MR2 की. उसके अंदर आया था ये इंजन, एंड आई एम श्योर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी पावर स्टेयरिंग के ऊपर, एंड वहां पे भी ऑल्टरनेटर के ऊपर जिप टाइज हैं. बॉयज, दिस इज अ बजट ड्रिफ्ट कार, ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है. जो सोल्यूशन दिमाग में आता है करते जाओ एंड यूज करते जाओ. तो दिस इज द इंजन. गियरबॉक्स जो है W58 है, 5-speed मैनुअल होता है. एंड उसके अलावा इस गाड़ी में ज्यादा कोई ऑल्टरेशंस, ऑफ कोर्स ऑल्टरेशंस हैं, जहां इसका मैप सेंसर डिफरेंट है, इंजन डिफरेंट है, फायरवॉल कट हुई भी है इस इंजन को बिठाने के लिए. बिकॉज ये इंजन जो है, ये इंजन MR2 में और बाकी गाड़ियों में हॉरिजॉन्टल आया था. मैं पिक्चर डाल दूंगा अभी स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये इंजन हॉरिजॉन्टल होता है इस गाड़ी के लिए. इसको स्ट्रेट किया बेसिकली इसको, और फिर इसको रियर व्हील ड्राइव किया है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ. ये जो है 2000cc टर्बो इंजन है. इसको फैक्ट्री से तकरीबन 200 हॉर्स पावर, 200 घोड़े होना चाहिए ऑन व्हील्स. मगर जैसे मुझे गाड़ी मिली है, इसके अंदर GE का ECU है इंस्टेड ऑफ GTE, तो इट्स अ लिटिल लेस पावर. आई थिंक इट्स अराउंड, मेरे हिसाब से शुड बी अराउंड 150-160 घोड़े टू द व्हील्स. बट यार ऑनेस्टली इट्स मोर देन इनफ. आप लोग अगर पूछोगे कि सही ड्रिफ्ट बिल्ड के लिए इंजन ऑप्शन क्या है, अगर अच्छी कंप्रेशन के साथ अच्छा बना हुआ 4AG भी होगा ना, तो वो भी काफी है आप लोगों के लिए. ओवरऑल गाड़ी की लोग आप लोग देख सकते हैं, मुझे जरा शौक है यार, मैं लिवरीज बनाता हूँ. एंड साइड पे भी आप लोग देख सकते हैं टोयोटा का बना हुआ है, हुड के ऊपर भी है, उसको भी मैं आगे क्लिप में दिखाऊंगा. एंड उसके अलावा गाड़ी पे अलॉय व्हील्स हैं. जैसे मैंने कुछ लोगों के पास देखा है कि जैसे रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां होती भी हैं तो ओपन डिस्क पे होती हैं, तो वो एक पहिया घुमा रहे होते हैं, एक नहीं घूम रहा होता, गाड़ी गोल नहीं घूम रही होती. तो दिस इज इट. इसके अंदर बेसिकली जो रियर डिफरेंशियल होता है रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों का, उसको वेल्ड किया हुआ होता है ताकि दोनों पहियों को इक्वल पावर मिले. रियर एंड ऑलमोस्ट मैंने नया डाला है इसके अंदर. एंड ये सब चीजें होती हैं यार कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, बिकॉज गाड़ी जब अब्यूज होती है ना, तो अब जाहिर है काम तो निकालेगी, बिकॉज इट्स नॉट बिल्ट लाइक दिस फ्रॉम फैक्ट्री. इंटीरियर में क्या चीजें हैं, तो इंटीरियर में यार ये मुझे नाटी स्टेयरिंग भी पसंद था, मैंने ढूंढ के निकाला एंड आई बॉट दिस. उसके अलावा दिस नथिंग मच, दिस इज अ सादा K70 डैशबोर्ड, थोड़े स्टिकर्स वगैरह लगा दिए थे, गियर नॉब लगा हुआ है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है इंटीरियर में. हम लोग लास्ट वीक, जिस हफ्ते ये ब्लॉग लॉन्च हो रहा है उससे लास्ट वीक सैटरडे को सुबह मैं और मेरे बॉयज गए थे टीम बल्ले टेस्ट वाले सब, एंड मैंने फिगर एट्स प्रैक्टिस किए थे, और मैंने डोनट्स प्रैक्टिस किए थे, और मैंने एंड में थोड़े बहुत लेआउट्स भी प्रैक्टिस किए थे जो मैं पक्के नहीं कर पाया. बट खैर यार, इट वॉज माई फर्स्ट ट्राई, तो जाहिर है आप लोगों को साथ लेके चलना है, मेरी जर्नी भी है, आप लोगों को भी साथ साथ सीखना है मेरे, बिकॉज वी नीड मोर ड्रिफ्ट कार्स एंड वी नीड मोर पीपल दैट आर इनटू ड्रिफ्टिंग. मुझे पता है यार आप लोगों को सबको शौक है ड्रिफ्टिंग का, बट यार हमें सबको ना अपनी डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्टिंग और क्या चीज़ एक ड्रिफ्ट कार को ड्रिफ्ट कार बनाती है वो सब सीखना बहुत जरूरी है. तो वी इन दिस टुगेदर गाइज, जर्नी है, पहला ब्लॉग है, अभी स्टार्ट किया है, so we'll work on this together. We're going to the POV clips now. उसके अंदर बाहर की क्लिप्स भी हैं, and मैंने हेड कैम पहना हुआ था, तो आप लोगों को मैं फर्स्ट पर्सन व्यू देना चाहता था. So let's do this. एक्सप्लेन कर दूँ हो क्या रहा है स्क्रिप्ट में. बेसिकली मैं गाड़ी में वार्म अप कर रहा था, गाड़ी को चेक कर रहा था हर तरीके से, एंड फिगर एट्स करते हुए गाड़ी ने आवाज़ में गाड़ी की ब्रेक आया एंड देन गाड़ी बंद हो गई. तो हम लोग यहाँ दोस्तों के पास ले आए, हमने फिर चेक किया उसको, तो मैंने कॉयल की वायर जो प्लग लगता है कॉयल में वो अनप्लग किया एंड वापस लगाया, तो द कार स्टार्टेड वर्किंग अगेन. You don't need to see anything for donuts. Oh, I don't have any donuts. Eight.
talking during this. Basically, the first thing, I guess, drifting सीखने के लिए मुझे कुछ questions आए थे, तो that would be कि first you need to know how to do a donut, and the second step is figure eights, and then the third step is initiation. So पहले यही करूँगा कि first I'll start with donuts, and then figure eight, and then हमें layout change करना पड़ेगा पूरे layout के लिए. So let's see how this goes. स्टार्ट पर डोनट एंड देन आराम ने मुझे गाइड किया था कि पहले वाइट जाऊँ एंड वाइट जाने के बाद टर्न इन एंड देन गाड़ी इधर करती है बाकी तो वॉइस से बोलता हूँ कि ज़रा कौन वोन लगाते हैं एंड मैं लेआउट ट्राई करता हूँ एंड में तो आई विल सेट द कैमरा अप फॉर दैट. बस तुम जितना गाड़ी से बाहर ना हो क्या कुछ पकड़ के बैठो. अच्छा तुम भले स्लो स्पीड में जाओ, फिर क्या करो पहले क्लच एक उस तरफ करो भले स्लो स्पीड में और फिर गाड़ी तुम्हारी आ जाएगी. गाड़ी तो वैसे भी सेकंड गियर में आई मुझे पता, मैं ट्राई किया था. जरूरी नहीं है तुम तेज जाओ, पहले स्लो स्पीड में ट्राई करो. हाँ हाँ वो तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आरपीएम में हाई ना होता, क्लच का फर्क तो पड़े. हाँ 50% पावर सेविंग नहीं है तो सेविंग बहुत वायलेंट है. स्टीयरिंग थोड़ा और जल्दी फेंको. हाँ Oh.
हाँ अबे सही है ना, मेरे लिए तो डेफिनेटली। हाँ Thank you.